हेलो गाइज, क्योर रोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कैसे एक आम इंसान बना देश की राजधानी का सीएम, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको अच्छे से जानकारी चाहिए तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको अच्छे से जानकारी मिल सके। तो समय को ज़्यादा नष्ट ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भारत के इस नेता का नाम आज सबकी जुबान पर है। बचपन से ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाले अरविंद केजरीवाल ने कभी सोचा नहीं था कि वह भारत की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बचपन से ही देश की सेवा भावना ने आज उन्हें इस मुकाम पर पहुंचा दिया है। अरविंद केजरीवाल एक समाजसेवी और दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, साथ साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। अरविंद केजरीवाल का पूरा नाम अरविंद गोविंद राम केजरीवाल है। इनकी जन्मदिन 16 अगस्त 1968 ईस्वी की हुई थी। इनकी उम्र अभी तक 39 साल हो चुकी है। 2018 के अनुसार इनकी जन्म स्थान हिसार हरियाणा से है। इनके पिता का नाम गोविंद राम केजरीवाल है। इनके माता का नाम गीता देवी है। इनके बड़े भाई का नाम मनोज, जो कि IBM पुणे में सॉफ्ट इंजीनियर हैं। इनकी बहन का नाम रंजना, जो कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार में हैं, डॉक्टर के पद पर कार्यरत हैं। इनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, इनके बच्चे हर्षिता केजरीवाल व पुलकित केजरीवाल हैं। इनकी शौक था पढ़ना, योग और विपासना करना। इनकी बचपन की शिक्षा कैसी रही, अब हम उस पर गौर करते हैं। 16 अगस्त 1968 में हरियाणा राज्य के भिवानी जिले के सिवनी गांव में जन्माष्टमी के दिन केजरीवाल का जन्म हुआ। जन्माष्टमी के दिन जन्म होने के कारण उन्हें घर पे कान्हा के नाम से पुकारा जाता था। वे शुद्ध शाकाहारी और विपासना का पालन करते हैं, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि वे अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं। उनके पिता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा से स्नातक किए थे और उसके बाद वह किसी वजह से वह काम वहाँ पे छोड़ दिए। उनके परिवार को घर बदलना पड़ा था। केजरीवाल का अधिकतर बचपन उत्तरी भारत के गांवों में गुजरा, जैसे सोनीपत, गाजियाबाद और हिसार। हिसार में उन्होंने कैंपस स्कूल और क्रिश्चियंस मिशनरी स्कूल सोनीपत से शिक्षा प्राप्त की। स्कूल के दिनों से ही केजरीवाल अपने काम के प्रति बहुत तत्पर थे। उन्हें ड्रामा एवं डिबेट में बहुत इंटरेस्ट था। एक बार जब वह डिबेट में भाग लिए तो अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, तब कंबल लपेट कर स्कूल गए और डिबेट में भाग लिया। सन 1989 में उन्हें IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। अब हम बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल सामाजिक कार्य से किस तरह जुड़े हुए हैं। कॉलेज में अरविंद केजरीवाल बहुत से ड्रामा में पार्टिसिपेट किया करते थे। ये ड्रामा के माध्यम से उस समय की देश की दशा के बारे में लोगों को बताते थे। कॉलेज की छुट्टियों के दौरान वह गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए झुग्गी बस्तियों में जाते थे। जैसा कि एक इंटरव्यू में उनके सहपाठियों ने बताया है कि अरविंद केजरीवाल छुट्टियों में बच्चों को पढ़ाने के लिए झुग्गियों में जाते थे, और जबकि उनके सहपाठी फिल्में देखने और खेलने में मस्त रहते थे। इसके बाद उन्होंने 1989 में टाटा स्टील कंपनी ज्वाइन कर ली और अपने जमशेदपुर चले गए। केजरीवाल अपने इस काम से खुश नहीं थे और उन्होंने कुछ सामाजिक कार्य करने की चाह में टाटा ग्रुप के हेड के पास जाकर उनके सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करने की बात कही, लेकिन टाटा ग्रुप के हेड ने उन्हें मना कर दिया। उनके मना करने पर अरविंद केजरीवाल ने टाटा कंपनी को छोड़ दी।
लेकिन इससे उनके अंदर की सामाजिक भावना और अधिक बढ़ गई और वे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया जिससे वे IRS बन गए। उत्तराखंड स्थित मसूरी में सिविल सेवा प्रशिक्षण के दौरान अरविंद केजरीवाल की मुलाकात अपनी पत्नी सुनीता से हुई थी। IRS अधिकारी के रूप में अरविंद केजरीवाल ने एक चपरासी के तौर पर किसी को रखने से इनकार कर दिया था। उनके सहकर्मियों के अनुसार जब भी वह क्रोधित हो जाते तो कुछ समय के लिए किसी से बात नहीं करते, वह बहुत जल्द ही अपने गुस्से पर काबू पा लेते। मदर टेरेसा से प्रभावित होकर केजरीवाल उनके साथ काम करने की चाह में कलकत्ता चले गए। वहां से मदर टेरेसा से मिलकर अपनी इच्छा व्यक्त की। तब मदर टेरेसा ने उन्हें कालीघाट आश्रम में जाकर काम करने को कहा। वहां उन्होंने 2 महीने काम किया। केजरीवाल कहते हैं कि मदर टेरेसा से मिलना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। इस दौरान वे रामकृष्ण मिशन में भी शामिल हुए। केजरीवाल हमेशा से ही देश के लिए कुछ करना चाहते थे। जब कॉलेज में उनके साथी कैरियर व हायर स्टडी के लिए विदेश जा रहे थे तब वे भी जा सकते थे, लेकिन देश के लिए कुछ कर दिखाने के जज्बे ने उन्हें देश के बाहर जाने नहीं दिया। सन 1995 में अरविंद केजरीवाल ने सुनीता से शादी कर ली, जो राष्ट्रीय प्रशासन संस्था मसूरी और राष्ट्रीय जिला कर संस्था नागपुर में उनकी सहकर्मी थी। केजरीवाल और सुनीता को 2 बच्चे हैं। सन 1995 में केजरीवाल आयकर विभाग में ज्वाइंट कमिश्नर बन गए। अरविंद जी का कहना था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ईमानदार है, वहां पर अगर आप सच्चाई से काम कर रहे हो तो सभी आपका साथ देंगे, किंतु भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें मजबूत बना ली थी जिनको दूर करने के लिए पारदर्शिता की ज़रूरत थी। केजरीवाल ने यहीं से भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग शुरू कर दी थी। वे अपने पद के अंदर आने वाले सभी कार्य बहुत ईमानदारी से करते थे। नवंबर 2000 में अरविंद केजरीवाल को आयकर विभाग से 2 साल की छुट्टी दे दी गई, इस शर्त पर कि वे उन 2 सालों में अपना उच्च शिक्षण पूर्ण कर सकें, वापिस जहां से काम छोड़ा वहां शामिल हो जाएंगे और कम से कम 3 साल लगातार काम करेंगे। अगर वे ऐसा करने में असफल हुए तो उन्हें छुट्टियों के दौरान जो तनख्वाह मिलेगी वो वापिस करनी होगी। नवंबर 2002 में वे दोबारा शामिल हुए। केजरीवाल के अनुसार 1 साल तक उन्हें कोई पद नहीं मिला, लेकिन कोई काम किए बिना ही उन्हें तनख्वाह मिलती गई, इसलिए 18 महीनों बाद उन्होंने बिना तनख्वाह छुट्टी के लिए आवेदन किया। उनके इस आवेदन को मंजूरी दे दी गई। इस दौरान उन्होंने परिवर्तन नाम की NGO की स्थापना की। ये संस्था दिल्ली में आयकर एवं बिजली विभाग में सभी आम आदमी के काम फ्री में करवाती थी। उन्होंने दिल्ली में इसके पर्चे बांटे कि आयकर एवं बिजली विभाग में आपसे कोई रिश्वत मांगे तो आप हमें बताएं, हम आपका काम फ्री में करवाएंगे। करीबन 1000 लोगों का काम अरविंद केजरीवाल ने 1 साल में फ्री में करवाया। केजरीवाल ने कभी भी परिवर्तन संस्था का चेहरा नहीं रहे, हमेशा पीछे से काम करते थे। सामने दिखने वाले चेहरे मनीष सिसोदिया व अन्य लोगों का था। सन 2004 में अरविंद केजरीवाल वापस आयकर विभाग ज्वाइन कर लिया और 18 महीनों तक काम करने के बाद फरवरी 2006 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि केजरीवाल ने अधिकार पत्र में लिखे 3 साल तक लगातार काम करने के वादे को बीच में ही तोड़ दिया था, लेकिन ईवल के अनुसार इनके द्वारा किए गए 18 महीनों में बिना तनख्वाह वाली छुट्टियां को भी शामिल कर देना चाहिए था, जिससे उनके 3 साल पूरे होते ही, पर आयकर विभाग ने ऐसा नहीं किया, जिसका केजरीवाल ने विरोध कर कई सालों तक मतभेद चलता रहा और अंत में केजरीवाल ने अपने मित्र से कर्जा लेकर हर्जाने के तौर पर रुपये को जमा करवाए। सन 2006 में केजरीवाल को उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि आयकर से जुड़ी
कई धाराओं व कानूनी नियमों को उन्हें परिवर्तन किया था और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जानकारी प्राप्त करने का अधिकार जारी भी किया था। इसी साल उन्होंने अपने मैग्सेसे पुरस्कार की पूरी रकम का एनजीओ को लोगों की सेवा प्रदान करने के लिए दान कर दी थी। अब हम बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल की राजनैतिक यात्रा किस प्रकार रही। अरविंद केजरीवाल के अथक प्रयासों के बावजूद भी सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया, तब केजरीवाल ने सरकार को बदलने का निश्चय किया। इसी के चलते 2 अक्टूबर 2012 को महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर केजरीवाल तथा IAC टीम के सदस्यों ने औपचारिक रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा की। 26 नवंबर 2012 को भारतीय संविधान की 63वीं वर्षगांठ पर जंतर मंतर में केजरीवाल और IAC टीम के सहयोगी सदस्यों ने राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी का गठन किया, जबकि अन्ना हजारे, किरण बेदी और कई अन्य IAC टीम के सदस्य राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश के खिलाफ थे। हालांकि बाद में किरण बेदी BJP में शामिल हो गई थी। सन 2013 में इस पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्होंने 25,864 मतों के अंतर से 15 साल से मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान कांग्रेस की शीला दीक्षित को पराजित किया। 28 दिसंबर 2013 को वह दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। 25 मार्च 2014 को उन्होंने वाराणसी के निर्वाचन क्षेत्र से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की, परंतु 3,70,000 मतों के अंतर से पराजित हुए। 14 फरवरी 2015 को 70 सीटों में से 67 सीटों पर एक विशाल बहुमत हासिल कर वह दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल ने Z+ की सुरक्षा वापस की। अपने कार्यकाल के समय बिजली की कीमतों में 50% की छूट की घोषणा की। बाद में केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के खिलाफ धरना भी किया। केजरीवाल ने कई बड़े कंपनियों के खिलाफ अपना उग्र रवैया उपराज्यपाल नजीब जंग के कार्यालय में पारदर्शी शासन के लिए भी धरना दिया। समाज सेवा के दौरान उनके लिए लोकपाल बिल भी एक मुद्दा रहा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल के अभी तक के जो जीवन का सफ़र रहा था वह किस प्रकार रहा, वह मैं पूरी तरह से आपको बतलाने का प्रयास किया हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरा साथ दें, और अगर इस तरह से रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर जरूर आऊँ। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ।